बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द M1 टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है। जब भी आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सिनेरियो आएगा तो उसके अंदर आपको हिस्ट्री दी होगी, कोई भी सिस्टेमिक एबनॉर्मेलिटी होगी, हाइपोक्सिया होगा, और आफ्टर सर्जरी ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं पेशेंट। इसमें क्या होता है, बीपी लो हो जाता है और पल्स हाई हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म रेफर्स टू द थ्रोम्बोसिस ओरिजिनेटिंग इन द वेनस सिस्टम एंड एम्बोलाइज टू द पल्मोनरी आर्टरी सर्कुलेशन। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो फेमोरल वेन से आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एम्बोलस जाकर एम्बोलाइज हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से पल्मोनरी सिस्टम में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस द कंटिन्यूम ऑफ वन क्लिनिकल एंटिटी। इसके अंदर जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है तो उसके बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है। अब ये दो तरह का सोर्स होता है, लोअर और अपर। लोअर के अंदर ये मोस्ट कॉमन सोर्स है कॉजिंग एम्बोलाई, मोस्टली अराइज फ्रॉम द डीवीटी अबव द नी, मतलब फेमोरल से। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, डीप वेन ऑफ कॉल पैलविस से भी हो सकता है, डीप वेन ऑफ द कॉफ वेन से भी हो सकता है। अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर ये रेयर सोर्स होता है, ठीक है, और ड्यू टू द कैथेटराइजेशन हो सकता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी यही है कि जब भी थ्रोम्बस होता है वो एम्बोलाइज करता है पल्मोनरी वैस्कुलेचर में राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो ब्लड फ्लो डिस्टल टू द एम्बुलस इज ऑब्जेक्टेड विच लीड्स टू द पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, दोनों चीज़ें इंक्रीज, आर्टरी का प्रेशर भी और वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी। राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये कॉर्पल्मोनरी कॉज करेगा, ठीक है। डेड स्पेस इज क्रिएटेड इन द एरिया ऑफ द लंग दैट आर वेंटिलेटेड बट नॉट परफ्यूज, दिस लीड्स टू द हाइपोक्सीमिया एंड द हाइपरकार्बिया विच इंक्रीज द रेपोजिटरी ड्राइव, इसे हम टेक्निया भी कहते हैं। अब जब भी कोई भी एम्बोलिज्म या क्लॉट की बात होती है तो हमने उसके अंदर ट्राई एड को याद रखना होता है, या तो एंडोथेलियम की इंजरी होगी या फिर कोई भी बंदा काफ़ी महीनों से या घंटों से रेस्ट पर है, ठीक है। एयर ट्रैवल वाले भी अगर 6 hours से ज़्यादा और साथ उनको कोई डिजीज़ भी हो तो एम्बोलिज्म हो जाता है, ठीक है। हाइपर कोएगुलेबिलिटी यानी कि कोई भी कोएगुलेंट फैक्टर जैसे कि प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी है, ओसीपीज़ यूज़ करी है कोई फीमेल, एचआरटी यूज़ करी है, हेपरिन थेरेपी यूज़ कर रही है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, एलोक्सिफिन मेलिग्नेंसी। अब इसके क्लिनिकल फीचर में क्या होगा कि सडन अचानक से ही उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और इसका होगा जब एग्जामिनेशन पे देखेंगे तो लंग्स तो बिल्कुल क्लियर मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर प्लोराइडक चेस्ट पेन हो सकती है, कफ हेमोपेटाइसिस हो सकता है, सिंकपी हो सकती है। अब इसके अंदर जो साइंस मिलती है वो होती है टेक्निया के और टेकिकार्डिया के, ठीक है, और रेल्स एस फोर साउंड सुनाई दे सकती है, ब्रेथ साउंड डिक्रीज हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में आपने सबसे कॉमन क्या करवाना होता है, चेस्ट एक्सरे। इसके अंदर आपको ज़्यादातर वेल क्राइटेरियाज या तो आपको डीवीटी के सिम्टम्स शो होंगे, ठीक है, इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव इलनेस नहीं होगी पेशेंट को। पेशेंट या तो इमोबिलाइजेशन की हिस्ट्री देगा, डीवीटी की देगा, कोई भी मेलिग्नेंसी भी हो सकती है, आफ्टर सर्जरी, कैंसर, एंटीथ्रोबिन थेरेपी, स्मोकर है, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें हमने चेस्ट एक्सरे करवा के देखेंगे वो तो नॉर्मल मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको वेस्टर्न मार्क साइन और हैम्पटन हम्प मिलता है। वेस्टर्न मार्क के अंदर क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, जो जहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगी ना, जहाँ पे एम्बोलस आके ऑब्स्ट्रक्ट करेगा वेसल को, उसके डिस्टली क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन मिलेगी। जबकि हैम्पटन हम्प में वेज शेप होगा, प्लूरल बेस कंसोलिडेशन होगी एसोसिएटेड विद द पल्मोनरी इंफेक्शन। ए बी चीज के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगी, ऑक्सीजन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी लो होगी, जबकि पीएच हाई हो जाएगी, ठीक है, और इंक्रीज ए ग्रेडियंट नॉर्मल ग्रेडियंट मेक्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म लेस लाइकली। इसी चीज के अंदर आपको क्या फाइंडिंग मिलेगी, साइनस टैकीकार्डिया, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक एसटीटी वेव चेंजेस होगी, साइनस टैकीकार्डिया होगा, जबकि मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में राइट वेंट्रल ब्रांच ब्लॉक मिलेगा, राइट वेंट्रिकल स्ट्रेन में एस वेव इन द लीड आई। इसके अलावा जब हम लोअर एक्सट्रीमिटी का डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, टेस्ट इज पॉजिटिव, नो फर्दर टेस्टिंग इज नीडेड। फिर आपने इसके अंदर जो फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना, उसको हमने करवाना होता है सीटी एंजियोग्राफी। नॉर्मल वैसे तो हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में करवाते हैं चेस्ट एक्सरे, इसके अलावा आपने फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो होता है सीटी एंजियोग्राफी, ठीक है। फिर इसके अलावा जो गोल्ड स्टैंडर्ड तो था डायग्नोस्टिक, और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है पल्मोनरी एंजियोग्राफी। इसमें वही कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी वेन पे एम्बुलेंस आके ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें डी डाइमर का लेवल करवाते हैं, इससे पता चलता है कि आदर कोएगुलेशन हुई हुई है, कोई एम्बुलेंस बना हुआ है। इसको मैनेज कैसे करेंगे, 5 to 7 days के अंदर हम पेशेंट को सबसे पहले तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी, हमने उसे ऑक्सीजन देनी है, साथ में हमें पता चल रहा है कि पल्मोनरी एम्बुलेंस के साथ उसको हेपरिन भी दे देंगे। हेपरिन जो होती है वो लो मॉलिक्यूलर वेट आपने देनी होती है, डू नॉट फेयर, क्योंकि इसको देने के लिए आपको कोई भी टेस्ट नहीं करवाने पड़ेंगे। अगर जैसे कि आप वॉरफरीन देते हैं तो आपको INR मेजरमेंट करवानी होती है, लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन में ये सब नहीं करवाना होता। इसमें आती है एनोक्सापेरिन और डेल्टापेरिन, ये सब कंटिन्यूसली देते हैं, एक ट्वाइस अ डे और ये वंस अ डे। इट शुड बी गिवन कंक्रेंटली विद वॉरफरीन, वॉरफरीन के साथ भी दे सकते हैं फॉर एटलीस्ट 5 days। जो फोंडापेरनिक्स है ना, ये भी लो अल्टरनेटिव है लोअर मॉलिक्यूलर वेट का, ठीक है, ये है कि ये जो फोंडापेरनिक्स होता है ना, ये हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कम करवाता है, ठीक है, इस उन पेशेंट में करते हैं जिनको पहले से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो। इसके अलावा थ्रोम्बोलिटिक जो हेमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देते हैं, ठीक है, जो हम मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे रहे थे वो स्टेबल थे और ये अनस्टेबल है। इसके अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेस, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर देते हैं, कैरी द रिस्क ऑफ द इंट्रासेलुलर हेमरेज। लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेंट ऑप्शन के अंदर आप क्या देंगे, वॉरफिन दे सकते हैं विद हेपरिन ऑन डे 1। INR मेजर करवाते हैं इसके अंदर, साथ में आप 10A इनहिबिटर दे सकते हैं, ये सारी लॉन्ग टर्म है। रिवारोक्साबैन ये भी ओरल एंटीकोगुलेंट होती है, इसकी एक्यूट थेरेपी जो होती है 50 mg देते हैं लॉन्ग टर्म में 20। इसके अलावा आप ड्यूरेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट जो होता है ना, इसमें आपने कितने, आप 3 months के लिए तब देंगे अगर तो फर्स्ट डिस्टल डीवीटी है और फर्स्ट वेनस थ्रोम्बोलिज्म इवेंट है, ठीक है। उसके बाद आप पेशेंट को कंप्रेशन स्ट्रोकिंग भी दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, अगर इंफीरियर वेना के बाद तो आप वहाँ पे ग्रीन फिल्टर लगा सकते हैं, और अगर 3 months से ज़्यादा की हिस्ट्री है तो आप इसमें ज़्यादा हाई करेंट, तो इसमें एलिवेटेड डी डायमर आपको मिलेगा इंडेफिनिट। ये उन्होंने ड्यूरेशन बताई है कि आपने किस टाइम किसको कितने मंथ्स के लिए देनी है। कैंसर एसोसिएटेड के अंदर आप 6 months के लिए देते हैं और फिर स्विच कर देते हैं
वॉलफ्रीन में, अगर तो रिकरेंट थ्रोम्बोसिस हो रहा है इवन के पेशेंट एंटीकोगुलेंट पे है, तो आप क्या करेंगे, आपने करना है, आपने समझेंगे कि इसको कैंसर ही है। इसके अलावा इंफीरियर वेना कैवा फिल्टर में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं हम इसके यूक्यूज़ देखते हैं। इसका यूके देखें, 75 ईयर जेंटल मैन सस्टेन फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर एंड अवेटिंग सर्जरी इन द ऑर्थोपेडिक वार्ड, ठीक है। 2 डेज आफ्टर द हॉस्पिटलाइजेशन ही सडन डिवेलप्स अ प्रोफ्यूज स्वेटिंग सेंट्रल चेस्ट पेन ब्रेथलेसनेस। अब देखो उन्होंने एक तो वो सर्जरी के लिए वेट कराया, इमोबिलाइज था, हॉस्पिटलाइज हो गया था, उसका अचानक से क्या हुआ, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हुई है, ठीक है। बीपी लो हो जाएगा, टैकीकार्डिया का पल्स हाई हो जाएगी, जेबीपी भी एलिवेटेड होगी और लेफ्ट पेरिस्टर्नल हीव मिलेगी। इसके 3 पॉसिबल उन्होंने डायग्नोस पूछे हैं, तो आप इसके अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मेनली यही है। 5 इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, सीटी एंजियोग्राफी, पल्मोनरी एंजियोग्राफी और डी डाइमर का लेवल चेक करवाएंगे। अब 5 इमीडिएट स्टेप यही है कि आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, हेपरिन और साथ में ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ठीक है। इसके अलावा जिनको हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया उसमें फंडापेनिक्स दे सकते हैं, और हीमोडायनेमिक अनस्टेबल के अंदर आप थ्रोम्बोलिटिक देंगे, लॉन्ग टर्म में आप वॉरफिन और रिवाक्सावेन दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जब भी पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर 20 रेस्ट के ऊपर 25 से ज़्यादा हो और मीन जो है वो एक्सरसाइज पे 30 से ज़्यादा हो, इट्स मीन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। अब इसके ग्रुप हम डिस्कस करते हैं, इसके ग्रुप 1 के अंदर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो सकती है, इसमें क्या होगा, स्मूथ सेल प्रोलीफरेशन होगी या एंडोथेलियल सेल प्रोलीफरेशन होगी, ठीक है। इसमें वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर और वेसो डायलेटर के अंदर जब इम्बैलेंस आ जाता है तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो इंक्रीज, कॉन्स्ट्रिक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होकर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, जबकि वेसो डायलेटर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके एसोसिएटेड कंडीशन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, लेफ्ट टू राइट स्टंट है, एचआईवी इन्फेक्शन, ड्रग, थायराइड, ग्लाइकोजन स्टोर, गॉर्चर और हीमोग्लोबिनोपैथीज। ग्रुप 2 के अंदर क्या होगा, लेफ्ट साइडेड फेलियर होगा, 3 के अंदर सीओपीडी कोई भी डिजीज़ हो सकती है, 4 के अंदर एम्बोलिज्म या कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, 5 के अंदर सार्कोडायोसिस कोई भी इसमें भी डिजीज़ आएगी। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डिस्निया हो गया, एक्सर्शनल सिंकोपी ड्यू टू द हाइपोक्सिया, रिड्यूस कार्डिक फेलियर, एक्सर्शनल चेस्ट पेन होगी ड्यू टू द राइट वेंट्रिकुलर इस्कीमिया, ठीक है। राइट इसके अंदर जब क्या होगा, राइट हेपेटिक फेलियर होगा तो क्या होगा, हिपेटोमेगैली होगी, पेरिफेरल एडिमा और एसाइटिस होगी। इसके अलावा इसमें जेबीपीज और पेरिस्टर्नल हीव भी मिलती है, इसी तरह आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी मिल रही थी, ठीक है। इसके अलावा इसमें थर्ड हार्ट साउंड होगी, ईसीजी पे राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगी, एबीजी इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन डिक्रीज, उसके अंदर इसमें पी, उसमें पीएच ज़्यादा होती थी, इसके अंदर ये सब चीज़ें कम होगी, ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। चेस्ट एक्सरे पे आपको डायलेशन मिलेगी आर्टरीज की, ट्रांसथोरेसिक के अंदर भी राइट वेंट्रिकल सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा। इसको मैनेज कैसे करेंगे, आप ऑक्सीजन देंगे, डायुरेटिक देंगे, एट्रियल फिब्रिलेशन विद एजोक्सन देंगे और वॉरफिन विद एंटीकोएगुलेशन विद वॉरफिन, ठीक है। अब वैसे कंस्ट्रक्शन होती है तो वैसे डायलेटर देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, आईवी प्रोस्टासाइक्लिन देंगे, एंडोथेलियल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे, ताकि वैसे डायलेशन हो। रिफ्रैक्टरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में आपको लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, हार्ट लंग ट्रांसप्लांट एज अगर तो ऐसे मेंशन फिजियोलॉजी है, बैलून आर्टरी या सेप्टोस्टोमी करते हैं। अब इसके यूक्यूज देखते हैं। अब देखें 37 ईयर ओल्ड लेडी प्रेजेंट विद अ प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेस्ट, हर कार्डिक कैथेटराइजेशन एज फॉलोस। अब इसके अंदर आप सब चीज़ें देखें, आप पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर देखें, आपको 25 बताया था, अगर इससे ज़्यादा हो, इसमें देखें 110 हुआ है, कितना ज़्यादा हाई है, इसी से पता चल गया तो क्या, और सेचुरेशन भी कम है, तो इसमें क्या पता चला कि ये है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब उन्होंने 4 फिजिकल साइन इसके अंदर, तो एक तो आपको प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है, साइनोसिस हुआ होगा, इसके अलावा सर कफ होगी, हीमोपेटिसिस हो सकता है और सिंकोपी, ठीक है, कोई भी 4 लिखते हैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर आपको पता था कि जैसे कि लेफ्ट हार्ट फेलियर, तो इसके अंदर कंप्लीट अब हार्ट फेलियर हो जाएगा बेसिकली,